नेक्स्ट ये कहता है करंट कैरिंग वायर बेंट इन फॉर्म सर्कुलर लूप ऑफ वन टर्म। अब एक करंट कैरिंग वायर है, चलो एक करंट कैरिंग वायर है, इसमें आर रेडियस, इसकी रेडियस आर है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ऑब्वियसली कि एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मतलब सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है बी है, तो उसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ। पहले केस में मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई टू आर, ये जो है वो मैग्नेटिक फील्ड करंट आई की वजह से सेंटर पर है। अब कहता है इट बेंट इनटू अ सर्कुलर लूप ऑफ एंटर, एक वायर है उसको जब मैंने सर्कल बनाया था तो उसके अगर मैं करंट आई फ्लो करा रहा तो उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो इतनी थी यार। अब जब मैग्नेटिक फील्ड इतनी थी तो अब इसी लेंथ को मैंने n टाइम्स लपेट दिया, मतलब ऐसे रैप कर दिया, ऐसे लपेट दिया, ठीक है। तो इसमें इसकी रेडियस r हो गई होगी और नंबर ऑफ टर्न्स n है, लेकिन इसकी जो एक्चुअल लेंथ पहले कितनी थी, पहले इसकी एक्चुअल लेंथ 2πr थी सरकमफेरेंस। अब इसकी लेंथ अभी भी लेंथ तो वही होगी ना, तो लेकिन अब यहाँ 2πr और नंबर ऑफ टर्न्स n के इक्वल होगा, तो ये लेंथ। अब कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ एन टर्न, जो नया नया क्वाइल बना है उसमें भी करंट उतना ही फ्लो हो रही है आई, लेकिन अब उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर मैं लिखूँ इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, मान लो बी डैश हो गया, तो ये फार्मूला लगा दो, तो म्यू नॉट और इसमें फ्लो होने वाला करंट आई है और 2π इसका रेडियस, और हम सबको पता है अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन हो जाते हैं तो एन से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के लिए है और ये मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के लिए है। अब इस बी डैश को बी से रिलेट करना है यार, तो बी डैश को बी से कैसे रिलेट करूं, हम सिंपल सी बात है रेडियस निकाल के ला के रखेंगे और यहां रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। चलो तो यहां अगर मैं यहां अगर इसको सॉल्व करोगे, इस वाले को अगर बी लेंथ के टर्म में लिखे हुए, तो मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई और टू, यहाँ से R की वैल्यू अगर देखोगे तो R की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी L अपन 2π, तो L और 2π ऊपर चला गया तो 2 ने 2 को ख़त्म कर दिया, तो म्यू नॉट आई पाई अपन L, तो ये तो पहले मैग्नेटिक फील्ड B था। अब यहाँ से अगर मैं रेडियस कैलकुलेट करूँगा R की वैल्यू, तो यह आ जाएगी L अपन 2πN, और इसको जब मैं यहाँ पुटअप करूँगा बी डैश में तो मुझे मिलेगा म्यू नॉट आई और 2π, एल की वैल्यू एल और 2π एन ऊपर चला गया और एन से मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 ने 2 को ख़त्म कर दिया और यह आ जाएगा म्यू नॉट आई पाई अपन एल और मल्टीप्लाइड बाई एन का स्क्वायर। अब म्यू नॉट आई पाई एल एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड बी था जब टर्निंग नहीं हुआ था, तो ये जो नया मैग्नेटिक फील्ड बी डैश की जो वैल्यू बना वो एन स्क्वायर बी टाइम्स हो गया, दैट इज, देख लो कोई मतलब सेकेंड ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, दैट इज बी ऑप्शन सही है।